कितने अनोखे ढंग से दरबार की शुरुआत हुई। महिमा बागेश्वर धाम की अपरंपार है क्योंकि यहाँ स्वयं हनुमान जी का वास है। भक्तों पर दया कृपा बालाजी करते हैं, पंडित धीरेन्द्र जी तो सिर्फ माध्यम हैं। उनका कहना है कि हमारा काम आशीर्वाद देना और भभूति बांटना है। धाम पर टोकन, अर्जी, पर्चा, रुकना खाना पूर्णतया निःशुल्क है। धाम पर हमारी 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा है। 110 वर्ष पूर्व हमारे ही वंश में दिव्य संत श्री श्री 108 गोले महाराज ने दरबार की नींव रखी। चोरी के एक मामले में महाराज जी ने चोर का नाम बता दिया तो मामला जिला न्यायालय में चला गया, जहां महाराज जी को तलब कर लिया न्यायाधीश ने। उस वक्त के जज केडी मिश्रा जी ने पूछा, किस आधार पर चोर बता दिया, बताओ। महाराज ने कहा, हमने दिव्य दरबार के आदेश पर बताया है। जज झुंझलाकर बोले, बताओ इन फाइलों में क्या है। जज ने महाराज की परीक्षा लेने के लिए उन्हीं फाइलों में अपनी घड़ी छुपा दी थी। महाराज ने बागेश्वर महाराज को याद कर कहा, अब इज्जत आपके हाथ में है। बागेश्वर महाराज के आशीर्वाद के उपरांत संत ने बताया कि मिश्रा, तुमने 11:22:36 पर पहले अपने हाथ की घड़ी इन्हीं फाइलों में छुपाई है। यह सुनकर जज कुर्सी से खड़े होकर संत के कदमों में आ गिरे। यहीं से दिव्य दरबार की नींव पड़ी। इसके उपरांत 40 वर्ष तक दादा गुरु दरबार चलाए और विगत 11 वर्ष से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दरबार चला रहे हैं। बागेश्वर धाम की ये जानकारी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। आप सभी लोगों को ओम बागेश्वरा नमः। जय श्री राम।